हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने कढ़ी तो बहुत तरीके से बनाई होगी, क्या आपने कढ़ी पकौड़ा बिना फ्राई किए बनाया है? तो चलिए आइए आज मैं बताती हूँ आपको बिना फ्राई किए कढ़ी कैसे बनाएं। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, 1 कप बेसन लिया है। इसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्ची। यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है इसमें। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हल्का हल्का पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। जैसे हम पकौड़ी के लिए बैटर बनाते हैं, हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कढ़ाई में डाला है पानी, इसे ढक के बॉयल करेंगे हम। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, तब ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, ढक्कन हटाएंगे। कोई भी जालीदार बर्तन रखेंगे, यहाँ पे मैंने छन्नी रखा है। यहाँ पे आप बेस में कटोरी या ग्लास या प्लेट कुछ भी रख सकते हैं स्टैंड के लिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब जो हमने पकौड़ी की बैटर बनाया था वो डालेंगे इस पे, इस तरह से रखेंगे। ये देखिए मैंने सबको इस तरह से सेट कर दिया छन्नी पे। इसे ढक के हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और इसे एक बार चेक करेंगे अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। मैंने नाइफ के हेल्प से चेक कर लिया, ये अच्छे से कुक हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बेस में कटोरी रखी थी जिससे जो है छन्नी पानी में लगे ना। अब जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम इस तरह से स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, आप देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। यहाँ पे मैंने सबको इस तरह से निकाल लिया है। अब मैंने उसी बोल में डाला है 1 कप दही। इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच बेसन। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन डाला है इसमें। इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, इसी स्टेज पे मैंने नमक भी डाला था इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। इसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। इसमें डालेंगे राई, पचफोरन। यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च डाला है, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब जो हमने बैटर बनाया था वो डालेंगे इसमें। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। एक बार स्टर करेंगे। अभी देखिए जब इसमें हल्का सा बॉयल आने लगेगा तब हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे। अब इसे अच्छे से हम बॉयल करेंगे। ऐसे स्टर करते रहे हैं, चलाते रहेंगे हम ऐसे बीच बीच में इसे। अब देखिए जब इस तरह से बॉयल आने लगेगा तब हमने जो पकौड़ियों को स्टीम किया था वो हम इसमें डाल देंगे। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल अब आप सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ढेर सारी रेसिपी देखने के लिए। लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। यहाँ पे मैंने सारी पकौड़ियों को ऐसे डाल दिया है। एक बार स्टर करेंगे।
अब लो फ्लेम पे इसे हम पार्शियली ढक के 10 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए मैंने इसे ढका है, बट ये पूरी तरह से इसे नहीं ढका है, हल्का सा स्टीम इससे बाहर निकल रहा है। इसी तरह से हमें ढकना है इसे। अभी देखिए 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे हम, और ये हमारा कढ़ी बन के रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे ढक देंगे और इसे आप राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।